हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी छोटा सा पढ़ लेते हैं। तो देखो, मेरा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो यहाँ पे मूल संविधान की बात की जा रही है, मीन्स जब जिस टाइम में संविधान बना था उसे कहा जाता है मूल संविधान। तो कितना भाग था? 22 भाग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया का उल्लेख मिलता है। मीन संविधान संशोधन जो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, तो वो किसे मिलता है? भाग 20 में, पार्ट 20 में मिलता है। फिर संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है। ग्राम पंचायत की स्थापना की अगर बात करें तो वो किस में कहा गया है? भाग 4 में। संविधान के किस भाग में अस्थाई, संक्रमणशील और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। फिर से पढ़ते हैं, संविधान के किस भाग में अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया है? भाग 21 में। फिर भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पंचायती राज जो है वो किससे रिलेटेड है? वो है भाग 9 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिका है 9 के क में, भाग 9 के क में। फिर है, भारत के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है? तो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में। कहाँ पे है? भाग 4 में, और आर्टिकल 36 से 51। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे पढ़ेंगे हम। और लिया कहाँ से नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो 1 में दिया गया है कि संघ और राज्य क्षेत्र। स्टार्ट किससे हुआ है? कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। फिर है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो मूल अधिकार है भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। लिया कहाँ से गया है? अमेरिका से लिया गया। फिर है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? मूल कर्तव्य कितने हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है भाग 4 के क में, मूल कर्तव्य ऐड है। मूल कर्तव्य को मूल अधिकार से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों अलग अलग है। अधिकार का मतलब होता है फंडामेंटल राइट और ये होता है ड्यूटी, ठीक ना। यह होता है फंडामेंटल ड्यूटी, ये होता है फंडामेंटल राइट। ये लिया गया है सोवियत संघ से और लिया गया है अमेरिका से, तो दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन दोनों क्या है? ये भाग 3 में, यह है भाग 4 के क में। भारत के संविधान के भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो ये हम पढ़े हैं कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और कभी कभी प्रश्न ये भी आएगा आपको कि नीति निर्देशक तत्व मीन्स क्यों दिया गया है संविधान में, तो उसका मतलब होता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ऐसा ऑप्शन आएगा, आप उसको टिक करोगे। फिर है, भारतीय संविधान की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? मीन्स संघीय कार्यपालिका जो है की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? की गई है भाग 5 में। फिर है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख? तो नागरिकता का उल्लेख मिलता है हमको भाग 2 में। तो काफ़ी छोटा सा टॉपिक था, इसमें टोटल 13 प्रश्न थे, तो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन होता। और कुछ अगर अच्छा या बुरा कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ऑप्शन जरूर मेंशन कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।